मुश्किल थी अगर कोई तो आसान बनाते, हम आइंदा भी तुम ही को हुक्मरान बनाते। मिल जाता अगर हमको भी स्कीम का कर्जा, हम नौकरी को भूलकर दुकान बनाते। छठी हिस्से बता रही कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, तो कलरफुल सर। अरे बड़े पॉश इलाके के बावर्ची लग रहे हैं सर। अरे इस तरह के पोर्ची ना खाना पकाते पकाते 3 घंटे बाद याद होता, चूल्हे तो मैं अग ही नहीं लाई। पोर्ची पूछो ना जी, तू सही की बना लेना, कहने कोई गल की मैं मूँह बहुत अच्छा बना ला। इस तरह के पोर्ची ना जिंदा मुर्गे ना गल्ला कर रहे होंगे, यार यार मैं तेन पकावा कच्चा तो नहीं रह जाएगा। अच्छा ऐसे बावर्ची अक्सर बैंगन से बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वो की ऐसा काम किए हो मल ने तेरा मूँह काला करता? इस तरह के बोर्ची ना खाना पका के दूर बह जाते ने। क्या ये तो खाने वाला बदतमीजी ना करे। एक दिन इन्होंने हांडी बनाई तो अपने मुंह चपेड़ा मारी जान, मैं क्या की होया? कहिंदे जिवें दी हांडी बनी उन्हें भी तो मारनी है। अच्छा एक दिन मैं घर गया तो मार पड़ रही थी। अच्छा। मैंने कहा भाई जान हुआ क्या? कहिंदा यार कस्टर्ड बनाया विच लून पा बैठे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब असेंबली के साथ साथ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं ऑन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, जनाब फैसल हयात जब्बाना। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अकीदा राय। शोजी बड़े प्यारा मैं शेर लेके आया आपके लिए। अकीदा राय को देखते ही दिलों से निकले हाय हाय, अकीदा राय को देखते ही दिलों से निकले हाय हाय, ये फैशन मॉडल चले हमेशा ही सतरंगी रोशनी के साए साए, जो मेहमान इनको देखते हैं वो दिल ही दिल में ये सोचते हैं पलट के आए दोबारा आए दोबारा आए अकीदर आए हाय हाय। जेड़े अगे हुंदे ने जेड़े अगे हुंदे ने फाए लगे हुंदे ने, मामा भाणे लिसे भी पुत्तर जगे हुंदे ने, ते सोचे डेरेदारां दी कमी टगे हुंदे ने। जितना कोई मोहब्बत के रास्ते से रोकेगा उतना ही जाऊंगा। प्यार अगर धोखा है तो ये धोखा बार बार खाऊंगा। अगर मुझे छोड़ के किसी और से शादी की अकीदा तो तुम्हारी बरात के खाने में मट्टी डालाऊंगा। जी फैसल भाई, क्या हाल है आपके? क्या हाल है जी, आप खैरियत से हैं? ठीक हम है? तो ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो एडवाइजरी है चीफ मिनिस्टर साहब की ऑन लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, ये चल रही है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। वैसे सर वो क्या कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ये आपने सुना हुआ है? आज तो सुन लिया कम अज कम। आज सुन लिया तो इससे क्या ख्याल आया? देखें जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं ऐसी कतन कोई बात नहीं। मैं तो इस एंगल से बात कर रहा हूँ। जिस एंगल से भी आप बात कर रहे हैं अच्छा। बड़ी सिंपल सी बात है कि न सिर्फ मैंने बल्कि जहांगीर खान तरीन साहब ने खुद ये बात की कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा थे हैं और रहेंगे। हमारा जो ये ग्रुप है ये कतन जो है हुकूमत को कोई कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत को मजबूत करने के लिए है, पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए है
और उन इश्यूज़ को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए जो हम समझते हैं कि तीन सालों में जहां हमारी कमी बेशी रह गई, उन कमी बेशियों को दूर करने के लिए अगर हम कोई पॉइंट रेज करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, और पब्लिक इंटरेस्ट का जो है इश्यूज़ को हुकूमत के अंदर रहते हुए हुकूमत में रेज करना, ये हमारा फर्ज है। इन्नी जहांगीर किरण साहब को टेंशन नहीं, जिन्हें राजा रिहा साहब को गल वो चोख रहे हैं ज़्यादा। मगर खैर वो तो फॉलोअर्स तो उनके हैं, मगर सर आपकी मैं देख रहा हूँ मूछों के जो हैं वो ताओ बड़े जबरदस्त हैं। ये आजकल के हालात के मुताबिक है, ये कुछ अरसे से काम हो रहा था, जब शरीकों के इजाफा हुआ तो मुछा जड़ी ना ताओ वाली होनी चाहिए। इससे पता चला कि आजकल के मुताबिक ये जो है उठ गई हैं वापस। लाजमी गल, बंदा चंगे कपड़े पहनता ही है जो शरीक जिंदे हो। मतलब गुजर वाले भी शरीक जिंदा हो गए जो अकरम भाई भी मुछा रख लिया। मैं अपने हल्के राणा सुना देखो ना माशाला अगे नहीं सी हूँ आ गई, लगता कोई शरीकों का जरा ना करोला रप्पा है। शरीका वादा जा रहा ढे हिसाब है मेरा भी इतने। अच्छी अच्छी गल है, अच्छी गल है, अच्छी गल, अच्छी गल। अब ये तो ठीक है, मगर फैसला करें कि हम दोनों में से जहांगीर तरीन कौन है। अकीदा आपके क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से हैं? आपको शो का अंदाज़ा है जी? क्या अंदाज़ा है? अंदाज़ा यही कि ये बहुत अच्छा नंबर वन शो जा रहा है और लाफ्टर में बहुत मज़े का है। लाफ्टर इसमें बहुत मज़े का है, ठीक है। और बड़ा ज़बरदस्त आपने ये सूट पहना हुआ है, थैंक यू। ये किन्होंने डिज़ाइन किया बताना चाहेंगे? सर एक मुंडा थे बाद 200 बेचता इस कलर का, उन्होंने को बनवाया इन्होंने। डिजाइनर डिजाइन करता है सर। सानू तो गरीबों को यही होंगे ना कि जो ईद वाले दिन 200 बना दो इस कलर का होंगे। ये आप प्लीज़ कलर तो बताइए इनको। दूध छोड़ा इस कलर का तो नहीं होता। आपने फिर पिया नहीं कभी? अच्छा आपने जो 3 दिन पुराना वाला वो पिया नहीं कभी? मगर आप बताइए प्लीज कलर कौन सा, इनको ये तो क्लियर करिए। ये पिंक कलर है। पिंक के अंदर भी कोई खास इसकी है कोई कास्ट हो इस पिंक की? बेबी पिंक आई थिंक। बेबी पिंक है ये, अंदाजा हुआ आपको? रूह अफजा जो है ना इधर भी जरा ज्यादा ही पै गया। अगर उधर बेबी पिंक है तो इधर भी देखे ना बहू पिंक। वैसे चले उन्होंने तो पहना बेबी पिंक, कहा आप किस बेबी पिंक नहीं पहन सकता? आपका बेबी या पिंक से क्या ताल्लुक बनता है? चलो एक मिनट, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। कपड़े भी इको जो थोड़ा ना कीदा मेरा ना पक्का। आपका नाम भी बड़ा यूनिक है, तो इससे पहले भी कभी आपको इस किस्म की कोई बात सुनने को मिली? जी हो जाता है कभी कभी। हो जाता है, कोई स्कूल वगैरह के जमाने में होता था? काफी यूनिक लगता है सुनने में। यूनिक लगता है ना सर, आपको भी लग रहा है यूनिक ना? मैं तो सुने ही पहली दफा। वही ना, तो यूनिक ही हुआ ना, हमने ही पहली दफा ही सुनाई है। मेरी बात करने का यही मकसद है कि कम नाम होते हैं। बिल्कुल, बड़ा कम कम नाम ही सुना है। वैसे आपने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है जी, और अब आप इंजीनियरिंग को परसू कर रही हैं या मॉडलिंग? मैं फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहती हूँ। अच्छा, और ये मेरा शौक है। वो आपका शौक है तो प्री? ये भी मेरा शौक है, वो भी मेरा शौक है। ये भी आपका शौक है, वो भी आपका शौक है। जो प्री इंजीनियरिंग का पढ़ी थी वो क्या था? वो मेरे मामू ने थोड़ा मोटिवेट किया था मुझे, इंजीनियरिंग में जाओ इस तरह से। मामू ने किया था? मैं बच्ची। मामू इंजीनियर है? वो इंजीनियर तो नहीं है, उनको इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। तुम बेटे चले जाओ, तुम पढ़ना जाके सारा कुछ। तो वो चाहते थे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं, बट वो बहुत ड्राई होती है और बोरिंग टाइप, और मुझे बोरिंग चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओए होए होए, आपको बोरिंग चीज़ें अच्छी नहीं लगती? और मॉडलिंग और ये जो है ये एंटरटेनिंग है? बिल्कुल। वैसे आप खुद ही फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हैं और आपने खुद भी बड़ा ज़बरदस्त ये पावर सूट जो कहते हैं इसको, ये आपने ज़ेबतन किया हुआ है। फैसल भाई की ड्रेसिंग के बारे में क्या कहेंगे? वो बड़े ज़बरदस्त तैयार होकर आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं फैसल साहब, क्या बात है सर। देखिए आप, नहीं मेरी नहीं है, तुसी एक गल कढवा ली है तुहाडी मेहरबानी। फैसल भाई मौजूद आदमी लग रहे हैं, लग रहे हैं अगले इलेक्शन की सड़कों कसम लेना आए कि वोट सानू ही पाना। नहीं नहीं, मगर देखिए आप असेंबली का सेशन तो नहीं अटेंड करके आए आज? असेंबली का आज सेशन नहीं था, कल सेशन है असेंबली। अच्छा, तो आज आप किधर के लिए तैयार हुए थे इतना खास? देखिए सुबह सीएम साहब से मिले हैं और उसके बाद हमारी अपनी ग्रुप की कोई मीटिंग थी, तो इस तरह। अच्छा, सीएम साहब से मिलने के बाद भी अपनी ग्रुप की फॉरेन मीटिंग? देखिए सीएम साहब को मिलना और अपने ग्रुप में इकट्ठे होना ये तो रूटीन की बात है। अच्छा, तो सीएम साहब वैसे कुछ कहते नहीं जब आप उनसे मिलेंगे कि फैसल लिया आपने क्या किया मेरे, मैं भी आप गलत ग्रुप में चले गए? ऐसी कतन कोई बात नहीं। देखिए हम तरीके इंसाफ में हैं, रहेंगे डेफिनेटली तरीके इंसाफ के लिए अपनी एफर्ट्स करेंगे। जो हम पे जिम्मेदारी है बीइंग एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, वो असाइनमेंट को कोशिश करेंगे कि लोगों तक अच्छे तरीके से काम हो सकें। लाइफ स्टॉक की इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करेंगे, और पंजाब में वह डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक है जिसकी ग्रोथ लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है और जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। जब
पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त एग्रीकल्चर में इसका पार्ट 48.7% था और आज जो है 58.9% है। तो इस डिपार्टमेंट में पंजाब में ग्रोथ किया और उस ग्रोथ का जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जाता है। जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच में मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी तो मेल न्यूट्रिशन और स्टंटेड ग्रोथ जो दोनों का ताल्लुक जो है वो लाइफ स्टॉक से है और जिन स्कीमों को उन्होंने जिक्र किया और लोगों ने उस वक्त मजाक बनाया उन्हीं स्कीमों की वजह से मैं समझता हूं कि आज लाइफ स्टॉक में चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। बहुत क्या बात। वैसे आपका कोई है सियासत में इंटरेस्ट? मुझे लगता तो नहीं है। वोट वोट डालती हैं? वोट मैंने डाला नहीं था, लास्ट टाइम डलवा दिया था। डलवा दिया था? क्या मतलब? मेरे फ्रेंड मुझसे पूछ रहा था कि किसको वोट दूं, मैंने कहा पीटीआई को दे दो। अच्छा तो उन्होंने दे दिया। चलो फिर मजा भी दे आ रहे हैं ना उनमें। कैसर भाई ने भी जो वोट है ना वो मेरे ख्याल में किसी के कहने पे पीटीआई को वोट दिया था, वो मुझे पहले पता नहीं था, शायद आज इशारे मिल रहे हैं। दिल ना देता सी आज इशारे मिल रहे हैं। मगर बात यह कि अच्छा तो आपने वोट दिलवा दिया, आपने अपना वोट नहीं डाला? मैं कुछ घर के कामों में बिजी थी तो उसने मुझसे पूछा था, मैंने कहा पीटीआई को डाल दो, काफी उम्मीदें थी मुझे। अच्छा अभी तक मेरी उम्मीदें पूरी तो नहीं हुई लेकिन होप्स शायद हो जाएंगी। मगर क्यों नहीं हुई? लाइक कुछ चेंजिंग नजर नहीं आ रही ज्यादा और हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ ज्यादा ही परेशान है पहले की नस्बत और भी ज्यादा। क्यों? वैसे कोई वजह आपके ख्याल में क्या है? महंगाई और ये कोरोना की वजह से और सबके बिजनेस ठप हो गए। आप पीटीआई की वजह से नहीं है ना कोरोना, तो महंगाई आप कह सकती हैं। महंगाई और जो इतनी ज्यादा चीजें अप एंड डाउन हो रही है ये सारी महंगाई की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। महंगाई की वजह से सबसे बड़ा यही एक अलमिया है मुझे लगता है जो कि हर बार 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 एक एक जो बात आप लोगों को फेस करनी पड़ती है वो महंगाई की है। ये बात दुरुस्त है कि महंगाई में इजाफा हुआ है, इसको डिफेंड करने की कोशिश भी की जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं और मुझ जैसा शख्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता महंगाई के हवाले से मैं एड्रेस करूं, महंगाई के हवाले से मैं उस पर कंप्रोमाइज़ करूं। ये महंगाई में इजाफा हुआ है। एक बात बड़ी ज़रूरी, रमज़ान क्योंकि अभी रिसेंटली गुजरा है और दो तीन महीने से देख लें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से जो इनिशिएटिव लिए हैं वो बड़े मौसर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर इसी तरह जो है पीटीआई की ने इकदामात महंगाई के जो मसनूई महंगाई है उसके हवाले से लेती रही तो चीजें आने वाले दिनों में कदरे बेहतर होंगी। बेहतर होंगी आपको लगता है? मुझे यकीन है। और आप अगले बार वोट डालेंगी या अगली बार भी आप किसी को कहेंगी कि वोट डाल दो? डालूंगी इंशाल्लाह अगर फ्री हुई तो। अगर फ्री हुई इलेक्शन के दिन तो पूरा पाकिस्तान में छुट्टी होती है, आप क्या करती हैं उस दिन? घर वाले सारे बर्तन इन्होंने दे देंगे ना तो उकड़ी है सारे। नहीं मगर वैसे क्या करती हैं आप? नहीं मैं थोड़ी सी बाहर कम जाना पसंद करती हूँ इसलिए। तो आप काम के लिए बाहर निकलती हैं? हाँ। या घर पे आके शूट कर जाते हैं? होती है वो। वैसे भी मैं एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम से क्योंकि आपके प्रोग्राम माशाल्लाह पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग देखते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं फ़ायदा उठाते हुए जो वोट है ना ये एक इंतहाई कीमती चीज़ है। बिल्कुल। और मैं हैरान होता हूँ कि लोग वोट नहीं डालते, 5 साल क्रिटिसाइज करते हैं। खुदारा जो है आप अपने वोट की ताकत से आप हुकूमत को लेके हैं, अगर आप वोट खुद नहीं डालते और उस क्रिटिसाइज करते हैं ये जुल्म करने के मुतरादिफ है। जब आपको मौका दिया जाता है अगर सही मानों में अगर आपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। खुदारा जब भी इलेक्शन हो अपना वोट जरूर डालें। बिल्कुल सर। अगर वोट कीमती चीज है तो बिरयानी की प्लेट से क्यों बिक जाता है? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अकीदा ये बताएं। अकीदा तो आपने कहा कि आप अगली बार जो है अगर आप फ्री होंगी तब आप वोट डालने जाएंगी। जी। क्या अमूमन काम होते हैं, क्या सो रही होती हैं आप? ज्यादा सोती हूँ। ज्यादा सोती हैं तो वो एक दिन जो है उस दिन भी आपने मार्क किया हुआ है कि सोना ही है? नहीं वो इलेक्शन तो पूछ के रखन करेंगे किदन जाके। लेकिन वो इलेक्शन वाले दिन ही नहीं जाती है। लेकिन आप इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं, जितनी भी गेस्ट आई हैं मुज़ाकरात में सबसे प्यारी आप मुझे लगी हैं। अच्छा जी। तो मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। माँ डटके रहे। लेकिन ये सब शादीशुदा लोग हैं, आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, तो मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे ख्वाबों की शहजादी मुझे मिलेगी, तो लग रहा है आज मिल गई है। तो आपने कभी सोचा कभी ऐसा क्या आप ऐसा बुरा वक्त आएगा?
मसलन ख्वाबों का शहजादा कोई तो होगा ना, चाहे सामने ही बैठा हो। कोई तो होगा, सामने शायद नहीं बैठा लेकिन है तो थोड़ा जैसे कहीं ना कहीं होगा। लेकिन क्या कमी इस शहजादे में, ये सादा जरूर है पर शहजादा है। है शहजादा, ये सारा दिन काम करता है, शहजादे आप फड़ लिया, शहजादे आप फड़ लिया। नहीं की कमी तो नहीं है वैसे ही। आपकी नजर में कैसा शहजादा होना चाहिए वैसे? मेरे जैसा? आप जैसा वो तो पूरे पाकिस्तान में नहीं। पिंक पावर सूट के अंदर हो? नहीं, नेचुरली ने, आपका नेचर टाइप हो, इलेक्शन वाले दिन सोता हो, मामू के कहने पे डिग्री परसू कर ले, इस तरह की चीजें। तो आपके जैसा कैसा हो? मतलब चिल टाइप हो, फनी हो। चिल टाइप हो क्या? फ्रिज में बैठा रहता हो? नहीं नहीं। चिल क्या है? चिल मतलब बोरिंग बिल्कुल ना हो और घूमने फिरने वाला होना चाहिए। अच्छा, आप तो कहती है मैं घर से निकलती नहीं हूँ। ये वैसे सारी क्वालिटीज कैसे? घूमने के लिए जरूर निकलती हूँ, हफ्ते में एक दो दफा। हफ्ते में एक आध दफा घूमने के लिए निकलता हूँ आपकी तरह? हाँ, ठीक है, ओके। और बताइए, अकेले कहीं ना जाए? बस मेरे साथ अकेले कहीं ना जाए, फैमिली साथ हो आपकी, मदर इन लॉ भी, फादर इन लॉ भी? नहीं, मेरे साथ ही रहो। अच्छा, आपका मतलब है कि बहुत एक सेल्फिश अप्रोच है कि सिर्फ आपके साथ हो? ठीक है। और उसके अलावा फैशन डिजाइनर हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। फैशन डिजाइनर हो अगर तो बहुत अच्छी बात है। इतना होना चाहिए, सॉन्ग लवर होना चाहिए। कोई खास सॉन्ग्स हैं जो आपको पसंद हो? जो मेरा तो मूड पे डिपेंड करता है, जब बहुत चिल मूड होता है तो मैं अपने आप को चिल सॉन्ग से एंटरटेन कर लेती हूँ। चिल सॉन्ग्स कौन से? आजकल जो है वो जट्टों के गाने बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं। सर देखो ना, गाने जट्टां दे पसंद ने, जट्टां दा मुंडा नहीं पसंद। जट्टों के गाने जो है वो चिल सॉन्ग्स होते हैं। हाँ, बहुत म्यूजिक उनमें हाई बेस होता है और म्यूजिक, और मैं खुद भी जट्ट हूँ तो मुझे ज्यादा वो फैसिनेट करते हैं। जाहिर बात है, ठीक है। और वो ऐसे गाने सुनता हो? जट्टों का गाना मतलब जिसमें जट वर्ड आता है कि जो जट गाते हैं? जो जट गाते हैं उसमें वो जट वर्ड भी डालते हैं। ऐसे गाने जो जट्टों ने गाए हुए हो और उसके अंदर जट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा हो तो वो चिल गाने के लिए नहीं है ना, वो तो कह रही है मुझे तो आता ही नहीं। तो ये हो गया कि चिल गाने सुनता हो वो। हाँ। और उसके अलावा वो चिल आदमी हो, अकेले ना ड्राइव पे जाता हो, एक आध बार हफ्ते में निकले जब वो बाहर घर से तो वो साथ आपको लेके निकले। फनी बिल्कुल, और उसके अलावा फनी होना चाहिए, मुझे हंसाता रहे बस। मैं थोड़ी सी सीरियस टाइप सी हूँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप सीरियस टाइप हैं? अच्छा, सीरियस आपकी तरह हो वो? नहीं, उनका दिल करता है थोड़ा सा ब्रिशम ब्रिशम करने का, मार खान। लेकिन वो कोई और जाट, असि भी तो जाटा, सारी जिंदगी तुहाडे पराने मार खादी है सर। नहीं, वही मैं। अच्छा, और उसके अलावा? बस मेरी लाइफ उसके साथ फनी फनी गुजरे और बस मजा आता रहे, ये ना हो कि बोर गुजरे रहा सब कुछ। तो मैं भी फनी हूँ, मैनू कह दो लोग डॉक्टर जैन कहते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी तक आपने जो जो बताया वो सारी खूबियां भाई में हैं। तुसी भी जाट हो, भी जाट? हाँ जी जाट। हाँ, ये भी एक जाट ही है। सब लोगों ने तस्दीक कर दी तो फिर हाँ ही समझो। नहीं, मेरी तरह से हाँ नहीं है, क्योंकि क्योंकि मुझे देखने में परखने में काफी अर्सा लग जाता है। कितना कोर्स? ये कोई 4-5 साल। 4-5 साल तो इजीली मैनेज कर लो। 4-5 साल से मिंतन थरले कर रहे हैं, और पिछले 4-5 भी गुजरे ही है ना, तो ठीक है। लेकिन उस टाइम अकरम भाई की उम्र ज्यादा, पता नहीं साढ़े च होंगे कि नहीं होंगे। और कोई मसला तो नहीं है इनके अंदर? और भी मसला है क्या? पर्सनैलिटी मेरी तरह होना चाहिए ना? पर्सनैलिटी भी आपको रिक्वायर्ड है बीच में? ऑब्वियसली। तो पर्सनैलिटी आप कैसी होगी? पर्सनैलिटी ऐसी हैंडसम, क्यूट। हैंडसम और क्यूट, ये कोई आपके जहन में है ऐसा कोई स्केच जो हैंडसम और क्यूट दोनों? इमरान अब्बास मुझे काफी पसंद। इमरान अब्बास की तरह हैंडसम हो और क्यूट भी हो सर? लेकिन चलो इमरान अब्बास भाई, आज तो बाद मैं उन्होंने ड्रामा तो कोई ना देखा सर। आपके इमरान अब्बास का आइडिया आपको? मैं इमरान अब्बास को नहीं जानता, इन्होंने इमरान खान का सिर्फ।
How you doing, Bo? Good, how are you? You know, I am really very happy today. Uh-huh. I got a big decision for my future. What? Main Tajin group join kar le. You know that? Because last 2.5 years, I was working as a volunteer with PTI. Okay. Jithe inan de chahiye hunde san. Chahiye. Othe main jaake te light performance karda san. Theek hai. Main kehnde san tenu kathe paise diyange. Okay. But jadon hi main gaya, oh, jo inhone kya, your payment is pending. Oh. But meri landlord ni te ni na pending kardi. Publicly meri beshti kardi. Mainu kehndi hai tumne agar 6 mahine ka kiraya na nahi diya to maine tumhare pankhe ke saath baandh ke pankha tez chala dena. Oye hoye. Phir charon kandon mein bajoge patak patak kar. You see that hale main vajja nahi te raat de mere pinde ch peena shuru ho gaya. Bilkul. So main call kiti ek bande nu, he was my good friend. Theek hai. Kehnda train group mein aa jao. Okay. Tum wahan performance karoge. कैश पैसे देंगे मुजफ्फरगढ़ दे विच बुलाया तो उन्होंने कि लाहौर से ले लो प्राइवेट कार या आके फंक्शन करो तुम्हें कपड़े भी देंगे शूज भी देंगे पेमेंट भी देंगे मैं एक बंदे ने 12,000 रुपये मंग जाए अच्छा आन जान दा मेरे मुंह वाले वेख के कहने यू आर मस्कीन तुमसे कट पैसे लूंगा वो फिर मैं उन्होंने दसा कहने तुम आ जाओ या आके तुम्हें हम 20,000 रुपया देंगे ठीक है उसको भी देंगे बस मैंने 12,000 चाहिए उस मैं 20,000 ले आवांगा 10 तो आज 10 मेरे अच्छा। ले 10 को दें दे नहीं मेरे पास है नहीं नहीं इस तरह ना करया करो नहीं है ना यार पहले नहीं तुसी चंगे लगदे इनकार तो चोर पैरे लग दे इस तरह ना करया करो किसने मेरे यार नु चाहिए पैसे कुड यू प्लीज गिव मी 12,000 मिल जाने आज तेन ए मैं 1,000 हैगा मैं तेन सर मैं नहीं तेन फैसल भाई देन गया उन्होंने बोली वाली कमेटी निकली है आज हां जी ओ वो टेंपो वो टेंपो इंजे तेरे की खोल लेने उन्होंने उन्होंने ना पाओ हां इन्हें ना पाओ हां PTI, I love PTI, but really I am talking it to, I love Jahangir Tareen. Achha. He is a good guy. Idhe zara tawajjo karo na, 5,000 main de rahi hain, lekin 7,000 aaj Bibi ne dene. 12 tode pure hi hone chahiye. 7-5-12, this is good guy. Adhikari kehdi party hai? PTI ko. Jadon da gaya Imran, meri jaan, oh ban gaya naam Pakistan. Pakistan, Imran Khan Zindabad, Shah Mahmood Painda ki na hai? Faisal Jabwana. Faisal Qureshi sahab Zindabad. Faisal Jabwana sahab. 5,000 unhone ditta hai. 5,000 ch paye ne nahi aunda hai. Baji, tusi duaar karoge meri tarah hi ke deoge paise? Bahut duaar karunga. Could you please give me 6,000? Udhaar ne 7,000 rupaye main tuhanu de hi dene ne. Main kehda tuhanu dene ne. Singer vekh lo. Singer vekh lo. Pehle पहले अपना होस्ट वेख लो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात फैसल साहब आपको लगता है कि अब हालात सही हो जाएंगे कोई कॉम्प्रोमाइज हो कि यार इस्लामाबाद से लोग यहाँ आ रहे हैं आप लोगों से मिलने यहाँ से कभी कभी आपको बुला देते हैं वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन सी चल रही है बड़ी सादा सी बात है कि तरीन साहब के साथ जिन लोगों का ताल्लुक है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ आप जब भी उनसे पूछेंगे वो तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाएंगे तो अगर घर के अंदर कोई इशू हो तो हमेशा जो है बड़ा हल कर लेता है तो मैं समझता हूँ कोई दोस्त लगे हुए हैं चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि सेटल डाउन हो चुकी हैं आपको लगता है कि सेटल डाउन हो गई हुई हैं ऑलमोस्ट इंशाल्लाह क्योंकि अभी खान साहब ने तो बड़ा क्लियर कट रखा हुआ है कि देखिए ब्लैकमेलिंग मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा देखिए ब्लैकमेलिंग वाली इसमें बात कोई नहीं बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कल दो स्टेटमेंट आई थी उन्होंने कहा था कि एमपीएस के जो जायज़ काम हैं वो होने चाहिए और एमपीएस के जायज़ काम क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है डेवलपमेंट के हवाले से होते हैं तो एमपीएस को तो इससे ज़्यादा कंसर्न ही नहीं होता जो सही बात है और हम खुद ये चाहते हैं कि एहतसाब पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वोट लिए तो एहतसाब पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए एहतसाब जो है वो पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर तमाम लोगों का एक ही पैमाने के साथ होना चाहिए ये बात दुरुस्त है और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि तरीन साहब जो है उनके लिए
एहतसाब और हो और बाकी लोगों के लिए एहतसाब और हो। हमारा तो मौकिफ बड़ा सिंपल था, बड़ा सादा था कि तरीन साहब के जो केसेस हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस के केसेस नहीं बनते, उनको आप प्रॉपरली एड्रेस कर लें और तमाम पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक तरीन साहब के साथ है वो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिले तो उन्होंने उस मौकिफ को ऑन किया और उन्होंने अली जफर साहब की ड्यूटी लगा दी कि अली जफर साहब दोनों फ्रीकैन की समाअत करे और देखे कि क्या ये सिविल लिटिगेशन बनती है या नहीं बनती, क्योंकि मीडिया पे परसेप्शन ये थी कि तरीन साहब पर जो केसेस हैं वो केसेस जो हैं शुगर माफिया के हवाले से हैं, लेकिन अगर उनकी तीनों एफआईआर पढ़ें तो वहां पे कहीं भी शुगर का जो है वो जिक्र तक नहीं है। तो ये बात अब तरीन साहब ने भी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू अली जफर साहब को दे दिया, एफआईए से भी यकीनन उन्होंने लिया होगा और प्राइम मिनिस्टर को जब अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और हम आज भी तरीके इंसाफ में, कल भी इंशाल्लाह तरीके इंसाफ में और आने वाले इलेक्शन भी डेफिनेटली हम अपनी पार्टी से ही कॉन्टेस्ट ताकि आवाम नु कोई सहूलत होवे। मैनू कहंदे ने मैं ते तैयारी कर लई है, बल्कि मैं ते गेटअप भी तैयार कर लेना, मारांगे छापे छड्डांगे नहीं किसे नु। मैं कहा वेरी गुड सर, पर कहंदे ने पहला सरकारी छापा उत्थे मारांगे जिथे ढाई साल तो कोई काम ना होया। मैं कहा फिर मारिए सीएम हाउस ते छापा। दो साड़ियां, दो गरारे, दो लेडीज जुतियां ते दो विगां। मैं कहा सर लेडीज बन के जावांगे, कहंदे हां इस तरह पछाणे नहीं जावांगे। मैं कहा सर जदों वीडियो बनेगा ना नेगेटिव वायरल होएगा, माड़ी हो जाएगी। मैं कहा असीं पावांगे लाचे कुर्ते पग्गां खुस्से ते नाल लवांगे डंडे। कहंदे ने गुड, सवेरे कहंदे ने 9 बजे निकलना है, ठीक है। कड़ियां ने गड्डियां डाले धड़ा धड़ गए ने, मार मार बूहे ते डंडे सोटे बूहे ने खोलन। किधर डिपार्टमेंट किसी का जी? सरकारी दफ्तर, ठीक है। ओ मैनू कहंदे ने चक्कर की है। मैं कहा सर सीसीटीवी, इन्होंने सानू वेख लिया। आखिर मैं एक होर बूहा खड़काया, उत्थे सिक्योरिटी वाला बाहर आया। मैं कहा ओए क्यों नहीं खोलते दरवाजे? कहंदे ने सर अज इतवार है, छुट्टी है। नुकरानी ने दो सुकने पाते गिले। की कर दे, टाइमिंग आउट हो जाती है। कहंदे ने व्हाट शुड आई डू, हुण की करिए? मैं कहा सर स्टूडेंट बन के चलने हैं, पतलियां पतलियां पैंटा निकियां निकियां बारीक बारीक ऐनकां ला के लाल टोपियां पा के जाने, किसी नूं शक भी नहीं पाएगा, ठीक है। गए हैं फिर लाइसेंस ब्रांच, ओए जाके वेखे रिश्वत का बाजार गरम। जी सर, मैं एक सरकारी अफसर के पीछे सीएम साहब नु खिला रहा है। मैं क्या कहो इन, क्या हो रहा है ये? कहंदा सरकारी अफसर है, गुस्सा ना कर जावे। तैयार हो बैल वजी, कहंदे जी लंच टाइम हो गया। सारे चले गए, असि उत्थे खलोते। कहंदे ने हुण की करिए? मैं कहा सर लंच करने आ, ठीक है। सरकारी कैंटीन है, बड़ा सस्ता हुंदा है, ठीक है। चार पैसे बच जाणगे। कहंदे ने ओके, कैंटीन गए हैं, रोटी शोटी खाधी है। काउंटर ते गए हैं, ठेकेदार नु बिल देण। बिल मैं पूछे, कहंदे ने 455 रुपए। अच्छा, मैं कहा ये जो रेट लिखे हुए हैं इससे आप डबल रेट पे लगा रहे हैं? सीएम साहब ने कहा निकालो चलान बुक। ओए होए, ऐन करके मैं चलान बुक कर दिए। ठेकेदार ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? कहंदा जी उस्मान तरीन।
सीएम साहब ने मेरे वाल वेखे मैं ओदे वाल वेखे फिर सीएम साहब ने 500 रुपया कढ़िया उन्होंने दिता कहते ने मैं सदके जाऊं आपके बाप की दूरअंदेशी पे छापा मार गया 500 पले माशाल्लाह शाह फैसल साहब नहीं है सर ये फैसल साहब शाह ही जी जिस तरह ये अपने इलाके दे विच पैसे लाउंदे ने ना पता नहीं लाउंदे कित्थों ने अपने पैसे लगाते जी सर खानदानी काम इन्हां दा हैगा गरीबां नूं रोटी खवाना बच्चियां नूं साइकिल लैके देना किताबां लैके देना तख्तियां लैके देना वो भी बच रहे ने काफी दिनां तों स्कूल ही बंद लेकिन सर ऐसा कमाल इंसान आजाद खड़ोते ने ते जद गने पुछ क्यों क्यों हर गल मैं दसनी किताबों कतुबों कट के पढ़िया करो यार किसी शख्सियत के बारे क्योंकि इन्हों की शख्सियत ही ऐसी कमाल लवली मैन सर जी माशाल्लाह हुण ते बरजाई भी सुने इस वारी वो मॉडल है कोई मैं देख रहा मैं किधर देखे है ना ये अकीदा जी जी बिल्कुल सर मॉडल लेकिन टॉप मॉडल है इसलिए कितने वाला कितने कितने यार तेनू नहीं पता तू सानू क्यों पुछदा मैं तो नहीं चेक करना हूं कि तुम भी चौकस हो कि नहीं एडा चौकस अपने सहुरे को मार खा ली क्यों उन्होंने कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है रेट से तुम चले जाओ एक्सक्यूज मी वो मेरे सैकेंड ससुर है देखो ना जी ए फ्रेश नैब मंदा फ्रेश अल्लाह रहम करे नैब तो अल्लाह बचावे लेकिन सर थोड़ा अरसा रह गया जाना तो है ही है पुत्र अवाम नू असीं सहूलतां देने जाहिर है कुछ बचदा ही है ना वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं फैसल साहब आपके साथ करेंगे सर ये बताइए चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में दो सीटें हैं एक अपनी है दूसरी पे किसी और को लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वहाँ से वापस आने की गारंटी नहीं है अलबत्त आप आ जाएंगे तो कौन है वो जिसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं मुराद रॉस और मियाँ असलम इकबाल मुराद रॉस ठीक है सर ये बताइए तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे नज़र उस तस्वीर पर पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के अंदर आप ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी बड़ा क्लियर कट आंसर दे रहे हैं सर ये बताइए टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जाना है किसको लेके जाना है टाइटैनिक पर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महवेश हयात और डॉक्टर फरदोस आशिकवान महवेश हयात डूबती कश्ती दो लाइफ जैकेट एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है किसको दे रहे हो दूसरी लाइफ जैकेट आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब जहांगीर तरीन मुझे एग्जैक्ट पता था कि आपने यही सवाल एग्जैक्ट जवाब सोच कर आए होंगे उस्मान बुज़दार साहब भी इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे बॉस हैं इसमें कोई शक्ल बात नहीं लेकिन जहाँ पर दिल की बात करनी चाहिए वो तरीन साहब बिल्कुल जी अकीदा ये बताइए आप भी लिफ्ट में एंटर हुई हैं तीन लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हसन शेरियार दीपक परवानी और नोमी अंसारी तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है दीपक परवानी स्माइल किनको दे रही हैं हसन शेरियार और किनको कह रही कि फ्लोर आ गया नोमी अंसारी आपका फ्लोर उन्होंने कहा कि आ गया है टाइटैनिक पर जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब फैसल हयात साहब तो ओए होए कोई खास वजह बिकॉज़ अभी ये मेरे कैंपेनियन बने हुए हैं यहाँ पे अच्छा ये आपके साथ इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं आरिफ अलवी साहब का आपको आइडिया है जी सदर यस क्या करें कजन है कजन नहीं है सदर है अच्छा सदर है जो बहुत अच्छे डूबती कश्ती में आप दो लाइफ जैकेट्स हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और ऑन अली खान कैसर पिया कोई खास वजह उनका दिल टूटा हुआ है ना मुझे नजर आ रहा है इसलिए अच्छा चलें फैसला आज जबाना साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो अकीदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर आ जाएं